आत्मा, जिन, इन पर कई लोग विश्वास करते हैं तो कई लोग नहीं। दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो भूत प्रेत और आत्माओं पर यकीन करते हैं। कहते हैं कि जिन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, और वो अकेले में रहना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। एक जानकारी के अनुसार जिन अधिकतर ऐसी इमारतों में रहते हैं जहां पर कोई ना रहता हो, या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहां कोई आता जाता ना हो। जिन के बारे में कुछ लोग यकीन करते भी हैं और कुछ नहीं भी। जिन आज भी दुनिया में रहस्य ही बने हुए हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता। आज हम आपको ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जिन के ऊपर लोग विश्वास करते हैं और उन्हें चिट्ठी भी लिख कर देते हैं जिससे कि जिन उनकी मदद कर सके। एक जगह दिल्ली में है। जी हाँ, दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है फिरोज शाह कोटला। इस जगह का नाम दुनिया में सबसे मशहूर है, लेकिन इस जगह के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जिन रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक किला है जिसमें जिन का बसेरा है। करीब 1344 में इस किले का निर्माण कराया गया था और उसके बाद इसमें एक मस्जिद भी बनाई गई। धीरे धीरे सब बर्बाद हो गया और किले और मस्जिद दोनों ही वीरान हो गए। आप लोग यहाँ केवल घूमने आते हैं। वहीं बता दें, मान्यता है कि यहाँ पर अब लोगों की मान्यता है कि अगर कोई अपनी समस्या को चिट्ठी में लिख कर इस किले के मस्जिद में रख कर चला जाता है तो जिन उसकी मदद करते हैं और समस्या का अंत हो जाता है। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो वही लोग बता सकते हैं जिनकी समस्या का अंत अब तक हो चुका है। वहीं बता दें कि किले में 3 मंजिला पिरामिडीय इमारत है। ये पत्थरों से बनाई गई। इसकी हर मंजिल की ऊंचाई कम होती गई। इमारत की छत पर फिरोज शाह ने अंबाला के टेपरा पे स्तंभ लाकर लगाया था। इस पर अशोक की राजाज्ञा अंकित है। ये ब्राह्मी लिपि में मौर्य शासक अशोक के स्तंभ की ऊंचाई करीब 13 मीटर है। इसे सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। ऐसा ही दूसरा स्तंभ फिरोज शाह ने मेरठ के आसपास से मंगवाया था। इसे हिंदू राव हॉस्पिटल के पास लगवाया। इतिहासकारों का कहना है कि इन दोनों स्तंभों को नदी के जरिए लाया गया था। वहीं बता दें कि ये मान्यता है कि जिन वहां आते हैं और लोगों की मदद जरूर करते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये सब सिर्फ उड़ाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अंधविश्वास के शिकार हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।